हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक होम्योपैथिक दवा के विषय में जिसका नाम है सोराइनम। इसको हम किस बीमारी में और किस पोटेंशियल में और किस डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, सोराइनम का पहला सिम्टम यह है व्हाइट स्पॉट। आपके शरीर पर, पेट पर, पीठ पर, पांव पर, हाथ में कहीं भी थोड़ा व्हाइट स्पॉट चालू हो जाता है। तो व्हाइट स्पॉट माने इसका मतलब ये नहीं होता है कि ल्यूकोडर्मा ही है। व्हाइट स्पॉट आपका जरा भी स्टार्टिंग हो तो ये जो है लीवर से भी हो सकता है, वार्म से भी हो सकता है। तो आपको अगर जगह जगह व्हाइट स्पॉट हो गया है तो आप जो है सोराइनम 200 पावर में 4 बूंद करके हफ्ता में एक बार, कम से कम 3 हफ्ता ले लीजिए, आपका जो है जगह जगह व्हाइट स्पॉट हो रहा है हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि अगर आपने किसी पेशेंट को दवाई दिया है, मैंने खूब अच्छा दवाई दिया है, फिर भी पेशेंट को लाभ नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उसको बीच में सोराइनम 200 का जो है एक डोज या दो डोज दे दीजिए और उसके बाद फिर अपनी दवाई चालू कर दीजिए। तो सोराइनम और सल्फर कैटालिस्ट का काम करती है। तो अगर अच्छी से अच्छी दवाई आप दिए हैं, फ़ायदा नहीं हुआ है, तो आप सोराइनम देकर फिर दवाई चालू कीजिए, पेशेंट को पूरी तरह से आराम हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम जो है क्यूसिपर है। क्यूसिपर ने पेरी ट्रांसलर एब्सेज और ट्रांसलर के चारों तरफ जो है स्पॉट व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं। तो सोराइनम 200 जो है एडल्ट में 4 बूंद हफ्ता में एक बार और बच्चों को 2 बूंद हफ्ता में एक बार देने से ट्रांसलर की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दोस्तों, सोराइनम का पेशेंट जो है बहुत ही चिड़ी होता है। इतना चिड़ी होता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। गर्मी के महीने में भी स्वेटर और आपके जो मफलर सब लगा के रहता है, इतना चिड़ी रहता है कि वो गर्मी के महीने में भी रजाई लेकर सोता है। ऐसा सिम्टम अगर किसी पेशेंट में रहे तो उनको आप आँख बंद करके सोराइनम 200 4 बूंद हफ्ता में एक बार दीजिए। उनकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी इसी दवाई से जो है उनका सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम जो है गले पर है। जब आप खांसी करते हैं कफ निकालने के लिए तो कफ जो है एकदम मक्खन की तरह होता है और इसके अलावा गोला जैसा होता है। तो ऐसा सिम्टम काली बैकरों में भी है, लेकिन काली बैकरों में जो है आप जब कफ निकालेंगे तो तार की तरह झूलता रहता है। तो बीमारी कोई भी हो, आप काली बैकरों दे दे ठीक हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो कफ निकलता है वो मक्खन की तरह होता है और वो भी गोलाई में होता है। तो ऐसा सिम्टम मिलता है कि आपका कफ अगर इस तरह से निकलता है तो आप सोराइनम 200 4 बूंद करके हफ्ता में एक बार लगातार ले लीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, आपकी जो एक गले की प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम यह है कि अगर किसी को टाइफाइड, जॉन्डिस, निमोनिया या कोई भी बुखार हुआ है और वो बुखार ठीक हो गया है, उसके बाद में पेशेंट का एक कंप्लेन है कि जब से बुखार हुआ है तब से शरीर जो है नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है। तो ऐसे पेशेंट को जिनको बीमारी होने के बाद में लगता है कि जब से हम बीमार हुए हैं तब से हमारी शरीर सुधर नहीं रही है, तो ऐसे सिम्टम में सोराइनम 200 4 बूंद हफ्ता में एक बार लगातार दे दीजिए। उनकी यह प्रॉब्लम जो हमेशा ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। अब आपको जल्दी जल्दी सर्दी खांसी पकड़ लेती है, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, तो इसके लिए आपको हम एक दवाई पहले बता दी है या हमेशा जब उसका नाम आता है तो बताते रहते हैं। तो आपको इचनेसिया मदर टिंचर 10 बूंद 3 बार अगर लेने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा अगर ठंड से एलर्जी है, ठंड से कोई प्रॉब्लम बढ़ती है क्योंकि इसका पेशेंट चिड़ी होता है और ठंड जो है बहुत जल्दी पकड़ लेती है, तो ऐसे पेशेंट को आप जो है सोराइनम 200 4 बूंद करके हफ्ता में एक बार दीजिए। अगर बच्चों को 2 बूंद करके दीजिए। ये जो टेंडेंसी है कि ठंडा जल्दी पकड़ लेगा, इससे जो है आप हमेशा के लिए बचे रहेंगे। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है स्किन पर। इसमें क्या होता है, एक्जिमा ऐसा होता है, खजुली बहुत होती है। हालांकि एक्जिमा में खजुली ही होती है, लेकिन इसमें खजुली इतना ज़्यादा होती है कि आप रात को सो नहीं सकते, खजवाते खजवाते हालत ख़राब होती है। आप ऐसे केस में सोराइनम 200 4 बूंद करके हफ्ता में एक बार लगातार लीजिए, आपका एक्जिमा और स्किन की कोई प्रॉब्लम रहेगी ठीक हो जाएगा। शर्त यह है कि पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए कि पेशेंट जो है एकदम चिली पेशेंट है, गर्मी के महीना में भी रजाई ओढ़ता है, कंबल ओढ़ता है, टोपी लगाता है। तो पेशेंट अगर ऐसा है, उसको एक्जिमा है, तो एक्जिमा इस दवाई से हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा।
दोस्तों इसका अगला सिम्टम है फेटिक सिंड्रम। इस फेटिक सिंड्रम माने क्या होता है, जैसे आप कोई काम करते हैं, लगातार काम करते हैं या लगातार काम नहीं करते हैं या थोड़ा भी काम करते हैं, आपको थकान लगती है, काम करने की इच्छा नहीं है, तो आप सोरारम 200 चार बूंदे खा लीजिए, आपकी थकान जो है तुरंत आराम हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम जो है पसीने पर है। इसमें क्या होता है कि बड़े आराम से पसीना निकलता है, आप जो है थोड़ी दूर गए तो आपको पसीना निकलने लगा, ये जो है इसको इग्नोर मत कीजिए, ये हाइपर हाइड्रोसिस की तरह होता है, ये जल्दी ठीक नहीं होता है। तो आप जो है सोरारम 200 हफ्ता में एक बार लगातार खाइए, आपका इस तरह का परेशानी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है, बहुत ही यूनिक सिम्टम है, ऐसा पेशेंट बहुत कम मिलता है। जैसे किसी को बहुत दिन से हेडेक हो रहा है, हेडेक नहीं ठीक हो रहा है, आई टेस्ट करा दिए, हेडेक ठीक नहीं हो रहा है, और उसके साथ में चक्कर भी आता है। अच्छा, और सबसे बड़े मजे की बात है कि इसका पेशेंट जो है जब ये परेशानी होती है तो खाने पर जोर देता है, तो या तो उस समय खाते हैं या रात में उठ कर खाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को आप सोरारम 200 चार बूंद करके हफ्ता में एक बार लगातार दे दीजिए, उनका क्रॉनिक हेडेक भी खत्म हो जाएगा, वर्टिगो भी खत्म हो जाएगा, और जो खाने की टेंडेंसी है ये भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम जो है आँख पर है। इसमें क्या होता है, क्रॉनिक ऑप्थेल्मिया। इसमें जो है आँख जो है ऑप्थेल्मिया हो गया, माने आँख फूल गई, आँख से पानी निकलने लगा। अगर ये परेशानी होती है तो कोई बात नहीं, दवाई आप कोई भी दवाई दे दीजिए, बेदाग रहना हो। लेकिन अगर जो है ये प्रॉब्लम जो है रिकरेंट करती है, एक बार ठीक हो गई आँख का ऑप्थेल्मिया ठीक हो गया, उसके बाद में फिर आपको ऑप्थेल्मिया हो गया, अगर ऑप्थेल्मिया पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आप जो है सोरारम 200 चार बूंद हफ्ता में एक बार दे दीजिए, आपका जो है ऑप्थेल्मिया जो है पीछा छोड़ देगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है और सबसे बड़ा यूनिक सिम्टम है कि यहाँ आपके कान के चारों तरफ एक्जिमा हो जाता है, और उसमें से जो है ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है, उसमें ऐसा गंध होता है कि अगल बगल वाले जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसके अलावा खजूर बहुत होती है। ऐसे एक्जिमा के केस में ऐसे पेशेंट को आप सोरारम 200 चार बूंद हफ्ता में एक बार कम से कम जो है कई हफ्ता तक दीजिए, तो उनका जो है कान के चारों तरफ जिस तरह का एक्जिमा हुआ है उसमें जो है ऑफेंसिव पस आता है, इचिंग होती है खूब ज़्यादा, तो ये तीनों परेशानी जो है सोरारम 200 हफ्ता में एक बार देने से हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, आशा है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में #टैग आस्क डॉक्टर पीयूष तिवारी देखकर पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप हमसे इलाज करना चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल हम व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, नमस्कार।